चलो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 2019 के नीट एग्जाम का है एंड इट सेज द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक साउथ बैंक ऑफ द रिवर And wishes to cross the river along the shortest path possible. The angle at which he should make uh, his strokes with respect to north uh, is given by. Now, नाउ बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बहुत सिंपल सवाल है सवाल आपका रिवर क्रॉसिंग का है So this is the scenario. यह आपका रिवर है रिवर uh, का ये साउथ बैंक है यहाँ से बंदा ट्रेवल करना चाहता है इस नॉर्थ बैंक की हला इस नॉर्थ बैंक की तरफ और रिवर इज फ्लोइंग ईस्ट और रिवर की स्पीड है आ, टेन मीटर पर सेकेंड द पर्सन जिस तरह से ट्रैवल कर सकता है उसकी स्पीड है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड नाउ अगर अपने को ये पता है शॉर्टेस्ट पाथ लेना है सो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको ये एक सर्टेन एंगल यहाँ पे फाइव एंगल लेना होएगा और इस फाइव एंगल पे जो ट्रैवल करेंगे रिवल विल ब्रिंग यू बैक और यहाँ से आप इस जगह पे एग्जैक्ट राइट अपोजिट कॉर्नर पे पहुँच जाएंगे बहुत ही सिंपल सवाल है इस केस में अपने को पता है कि साइन थीटा या साइन फाइव इसको हम देते हैं छोटे वाला बाय बड़े वाला यानी कि छोटी स्पीड डिवाइडेड बाय बड़े वाली स्पीड विच इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर

एंड दिस विल बी वेस्ट डायरेक्शन ना कुछ सवालों में यही सवाल दिया होता है आपको रिवर बैंक से एंगल बताना होगा ना इफ़ दिस एंगल इज थर्टी डिग्री रिवर बैंक से एंगल आपका आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक वन ट्वेंटी डिग्री हालाइट सो नाइन्टी प्लस थर्टी डिग्री सो इट्स ईजियर टू कैलकुलेट दिस वे हालाइट सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट चॉइस